एवरीवन, इट्स मी जिश्तिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दिवाली स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल। दिवाली पे किस तरह से आप अपना मेकअप करें जिससे आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत लगे, बहुत ही ब्राइट लगे, बहुत ग्लोइंग करे और आपका मेकअप बिल्कुल भी केकी नहीं लगे और बहुत ही सुंदर लुक आए आपका। तो हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे फेस वॉश से। जैसा कि मैंने फेस वॉश कर लिया है, आप भी अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लीजिए एंड देन उसके बाद में आप अपने फेस पर टोनर करेंगे और टोनर के बाद में हमारा मेकअप स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है और अब मैं करने जा रही हूँ टोनर। टोनर आपके पास जो भी है आप वो करिए। मेरे पास जो टोनर है वो होममेड है, मैंने खुद ने बनाया है। इसका अगर आपको चाहिए ये तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख लीजिए, इसका वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आपको मिल जाएगा। तो टोनर करेंगे हम, देन उसको हल्का सा हम ड्राई कर लेंगे। हो गया है, अब उसके बाद में हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर क्रीम। हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाएंगे ताकि हमारी स्किन पर जो मेकअप और मेकअप है वो काफी ग्लोइंग करेगा। तो हम हल्का सा मॉइस्चराइज कर लेंगे अपनी स्किन को। मॉइस्चराइजर हो गई है हमारी स्किन, देन उसके बाद में हम लगाएंगे प्राइमर। जैसे कि आपको पता है अपना जो अगर आपको अपना मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो आपको प्राइमर जरूर यूज करना चाहिए। उससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपके जो भी ओपन पोर्स हैं वो सारे क्लोज हो जाएंगे और आपका जो मेकअप है वो बहुत ही अच्छा लुक आएगा और पूरे दिन आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी। तो इसलिए मैं यूज कर रही हूँ प्राइमर। मेरे पास स्टे क्विक का प्राइमर है तो मैं इसे यूज कर रही हूँ। ये हो गया हमारा प्राइमर, देन इसके बाद में हम यूज़ करेंगे, आप चाहे तो फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो नेक्स्ट लगा सकते हैं। अभी मैं जो लगा रही हूँ वो लगा रही हूँ लैक्मे 9 to 5 मूज फाउंडेशन। तो ये मैं मूज फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ आज, क्योंकि बीबी क्रीम वगैरह तो नॉर्मल जो रूटीन होता है हम उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई फेस्टिवल ओकेजन है या फेस्टिवल है तो हम थोड़ा सा अपना लुक अलग करना चाहेंगे तो उसके लिए हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे। तो इसे हमको लेना है थोड़ा सा क्वांटिटी में। अब हम लगाएंगे अपना जो भी आपके अगर डार्क सर्किल हैं या डार्क एरिया है वहां पर हम कंसील करेंगे। तो मेरे पास ओलिविया का है ये स्टिक, ओलिविया स्टिक है, तो मैं इसे यूज करूंगी एज ए कंसीलर। और जो आपका आपको हाईलाइट करना है एरिया वहां पर भी आप इसे यूज करेंगे, जैसे कि हमारे नोज पर, चिन एरिया, फॉरहेड। इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे।
करिए कॉम्पैक्ट, ताकि हमारा जो फाउंडेशन है वो पूरा अच्छे से सेट हो जाए। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक वी का कॉम्पैक्ट। और आप आईज़ पर तो हमेशा कॉम्पैक्ट यूज़ करें, बिकॉज जब आप आई मेकअप करेंगे और उसके बाद में अगर आपकी जैसे ऑयली स्किन है या आपको अगर स्वेटिंग आएगा तो वो आपका पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा जहां आपका आपको ऑयलीनेस लगती है आप वहां पर इसे कॉम्पैक्ट ज़रूर यूज़ करें। जैसे किसी का टी जोन होता है जो ऑयली होता है तो आप वहां पर हल्का सा इसे अप्लाई कर लें। इस कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब हम करेंगे अपना आई मेकअप। आई मेकअप के लिए हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे आई शेडो लगाएंगे। ड्रेस के मैचिंग का लगा रही हूँ, मेरी ड्रेस में व्हाइट एंड रेड है तो मैं इसके अकॉर्डिंग अपना आई मेकअप करूंगी। सबसे पहले हम हमारा जो की क्रीज एरिया है यहाँ पर मैं हल्का सा ब्राउन शेड लगाऊंगी, ये वाला ये ब्राउन शेड मैं यूज कर रही हूँ क्रीज एरिया पर। मैं पिंक कलर लगाऊंगी यहाँ पर बीच में, सेंटर में पिंक कलर ले रही हूँ। सिल्वर कलर यूज करूंगी बिकॉज व्हाइट कलर में मेरी ये ड्रेस है तो मैं हल्का सा सिल्वर कलर यहाँ पर सेंटर में यूज करूंगी। तो ये हो गया आई मेकअप। इधर भी मैं सेम ऐसे ही कर लूंगी। तो ये आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। अब मैं लगाने जा रही हूँ लाइनर। हमारा हो गया लाइनर कंप्लीट। इसके बाद में हम यूज करेंगे मस्कारा। तो ये हो गया हमारा मस्कारा। अब हम यूज करें काजल। ये हमारा हो गया काजल। अब हम थोड़ी सी कॉन्टियर करेंगे हल्का सा। अब यहाँ लगाएंगे ब्लश, बिल्कुल लाइट ब्लश।
अब मैं लगा रही हूँ इनर, अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। इनर कॉर्नर में भी हम हाइलाइटर यूज करेंगे। है हमारी लिपस्टिक, लिपस्टिक के बगैर तो मेकअप कंप्लीट होता ही नहीं है, तो हम लगाएंगे अब लिपस्टिक। और फेस्टिवल सीजन है तो मैं कलर लगा रही हूँ रेड कलर, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। फेस्टिवल सीजन में अगर हम रेड कलर लगाएं या शादी वगैरह में तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो अब मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगाऊँ। हमारा हो गया है दिवाली मेकअप ट्यूटोरियल, बिल्कुल इजी और बहुत ही प्यारा लुक लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगता है। स्टेप मैंने आपको सारे बता दिए, एक के बाद एक क्या क्या चीज़ें लगती है, आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ये है मेरी तो आप ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो, आपको मेकअप कैसा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना, लाइक ज़रूर करना। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ हो गया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। और मैं आपको अपनी एक बार पूरी ड्रेस दिखाती हूँ, ठीक है। इयररिंग तो मैंने पहने ही नहीं, भूल गई मैं, चलो इयररिंग भी मैं अभी पहन लेती हूँ। ये देखिए ये हो गए मेरे इयररिंग, और हेयर तो मैं ऑलरेडी पहले बना चुकी थी। तो ये मेरा पूरा लुक है दिवाली स्पेशल लुक, आप बताइए कैसा लग रहा है। और मैं आपको अपनी ड्रेस बताती हूँ, ठीक है। और मेकअप आप देख सकते हैं, मेकअप बिल्कुल भी केकी नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा सा लुक आ रहा है, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा।